हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज, कि ब्रिज के अलग अलग कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने बिल्डिंग के अंदर बात करी थी, वैसे ही ब्रिज के अंदर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी, जैसे कि हर संडे कॉम्बैट ऑर्गेनाइज कराता है, अभी जनवरी में हर संडे ये गेट 2022 के लिए ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है रिवाइज इंडिया गेट 2022 के लिए, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा गेट एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। साथ में आपकी लाइव रैंकिंग मिलेगी, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। साथ में जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर हर एक टॉपिक से वेल क्वालिफाइड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टॉप एडुकेटर द्वारा क्रिएट किए गए हैं। और उसके बाद में जैसे ही आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन तो देखने को मिलता है, और वहाँ पर आप खुद को एनालाइज भी कर सकते हैं। अकेडमी का ऐप है, उसके अंदर एक फीचर है रेज ए हैंड, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग हाथ खड़ा करके कोई भी डाउट पूछ सकते थे, ऐसे ही ऑनलाइन भी आप रेज ए हैंड करके एक ऑप्शन है जिसके अंदर अपने डाउट्स जो एडुकेटर है उनसे पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों, अभी नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर के अंदर ही, गेट 23 के लिए अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना तो वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, और मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें mohandangi10, जिससे आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा। डिटेल्ड लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट करें। सो, बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज। आपने कहीं ना कहीं पर ब्रिज देखा होगा, ब्रिज देखे होंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। उन पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स को क्या हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है दोस्तों, उसके अंदर अगर आप बात करें सुपर स्ट्रक्चर, फिर होता है सब स्ट्रक्चर एंड एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम सुपर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, सब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, और एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर किन किन को कहते हैं। तो इनके बारे में बिल्कुल अब मैं बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब आपने बिल्डिंग पढ़े थे या बिल्डिंग के कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो वहाँ पर भी दो चीज़ आपने पढ़ी होगी, एक सब स्ट्रक्चर, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर क्या होता है और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है बिल्डिंग के केस में, ये आपको पहले ही पता होगा। अब हम ब्रिज के केस में बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। तो सुपर स्ट्रक्चर की जो ब्रिज के केस में है वो क्या है कि द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज अबव द बियरिंग इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। मतलब कि हमने बिल्डिंग में प्लिंथ बीम से डिसाइड किया था कि कौन सा सुपर स्ट्रक्चर है और कौन सा सब स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम लोग बियरिंग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। बियरिंग क्या होती है, कैसी दिखती है, ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बोल कह सकते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स जो कि बियरिंग से ऊपर है उनको बोल रहे हैं हम लोग क्या, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। वो सारे कंपोनेंट्स सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे जो भी हमारी बियरिंग से ऊपर ऊपर है। जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है दोस्तों डेक है। डेक के जस्ट नीचे जो है हमारे बीम्स वगैरह है, और बीम्स काई पर रखे, बियरिंग पर रखे गए हैं। तो ये जो बियरिंग से ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सुपर स्ट्रक्चर, और बियरिंग से नीचे वाले को बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। ये जस्ट बेसिक में आपको बताया हूँ। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे जो कंपोनेंट्स है वो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं। दोस्तों, पहला जो कंपोनेंट है जो कि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आता है वो बीम्स हो गए या फिर ग्रेडर्स हो गए। फिर अगर बात करें आर्चेस हो गई या फिर केबल हो गई, अगर कोई आर्च ब्रिज है या फिर केबल स्टेट ब्रिज है तो उसके अंदर हमारे आर्च और केबल भी सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। फ्लोरिंग हो गई दोस्तों, साथ में बियरिंग को भी हम लोग सुपर स्ट्रक्चर में ही काउंट करते हैं। पैराफिट वॉल हो गई या फिर हैंड रेल हो गई, ये सारे के सारे कंपोनेंट सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई कि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और सुपर स्ट्रक्चर को हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो बियरिंग से ऊपर वाला या बियरिंग को जोड़ते हुए जो पोर्शन रहता है ब्रिज का, उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और ब्रिज से नीचे जो बियरिंग से नीचे वाला जो पोर्शन रहते हैं या जो भी हमारे पार्ट्स रहते हैं या कंपोनेंट्स रहते हैं, उनको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जैसे कि अब मैं आपको बियरिंग अच्छे से बताता हूँ। ये हमारी क्या है दोस्तों, डेक है, इसको डेक स्लैब बोल देते हैं या फ्लोरिंग बोल देते हैं, ठीक है। इस ये जो डेक स्लैब हमारे जिन कॉलम के ऊपर रखी है, बीम के ऊपर रखी है, उन बीम को जो सपोर्ट करता है उसको बियरिंग बोलते हैं, या बोल सकते हैं हम डेक के जस्ट नीचे वाला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बियरिंग बोल रहे हैं।
और भी अच्छे से अगर आपको यहाँ पर बताऊँ मैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी क्या है, बियरिंग है। क्या बोला, ये जो डेक स्लैब जिसके ऊपर रखी है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बियरिंग कह रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम इसके अंदर और भी चीज़ें की डिस्कशन करें कि आखिर में सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, कि द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज बिलो द लेवल ऑफ बियरिंग इज नोन एज सब स्ट्रक्चर। मैं आपको बताया कि बियरिंग हमारा एक डिसाइडिंग फैक्टर है सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो अगर हम बियरिंग से नीचे वाले कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो सारे के सारे हमारे सब स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले हैं, लेकिन बियरिंग से ऊपर वाले सुपर स्ट्रक्चर में जाएंगे। अब एक और सवाल आता है कि आखिर में सब स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एबनमेंट्स क्या होते हैं यह भी हम लोग बात करेंगे, पियर्स, विंग वॉल, फाउंडेशन फॉर एबनमेंट्स एंड पियर्स, ये सारे के सारे हमारे सब स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले हैं। आई होप सब स्ट्रक्चर भी अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं अगर बात करूँ सब स्ट्रक्चर को, तो सब स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन किया, ये हमारी बियरिंग है। इस बियरिंग से नीचे वाले जितने भी पोर्शन है, क्या बोला, ये इस बियरिंग से नीचे वाला जो भी पोर्शन है इसको मैं नाम दे दिया क्या, सब स्ट्रक्चर। और बियरिंग से ऊपर वाले को साथ में बियरिंग तो जोड़ते हुए हमने नाम दिया उसको क्या, सुपर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम लोग कुछ डिटेल में इन कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों सबसे नीचे जो है हमारा सब स्ट्रक्चर के अंदर वो आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ये हमारा फाउंडेशन है जिसके अंदर हमने पाइल्स का यूज़ किया है, ठीक है, ये जो है इसको हमने बोला फाउंडेशन। और ये जो है हमारा कॉलम है, ठीक है, और कॉलम के ऊपर जो लेटरल मेंबर है इसको हमने बोल दिया बेंट बीम हो गया, ये ग्रिडर्स हो गए, ठीक है, ये बियरिंग हो गया जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के लिए। ये हमारा डेक हो गया, डेक क्या है दोस्तों, इसके ऊपर हमारा ट्रैफिक मूव करता है, दिस इज वॉज पैराफिट वॉल्स हो गई, ठीक है, या पैराफिट वॉल हो गई, या इनकी जगह हैंडरेल्स भी हो सकती है। और ये एबनमेंट्स हो गया। अब एबनमेंट्स क्या होता है दोस्तों, तो एबनमेंट्स हमारा वह पोर्शन है, क्या बोल रहे हैं, एबनमेंट्स हमारा वह पोर्शन है जहाँ से क्या होता है, कोई सी भी, मान लो ये रोड है इधर, तो यहाँ से रोड आ रहा है, तो ये जो जिस पर रोड कनेक्ट हो रहा है, तो जहाँ से रोड से हमारा कनेक्ट हो रहा है मतलब कि यहाँ पर सॉइल क्या कर रही होगी, यहाँ पर सॉइल इसको सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। तो अप्रोच के जहाँ पर अप्रोच हमारी मिलती है किसकी, रोड की और ब्रिज की, जो सबसे पहला जो फाउंडेशन पड़ता है या सबसे पहला जो पियर्स या हमारे पड़ते हैं उसको हम लोग एबनमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। इन सारे कंपोनेंट्स को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उनके लिए आप निश्चिंत रहिए। बट अभी मेरा मेन मुद्दा क्या था, यहाँ पर मेन मुद्दा था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ब्रिज के अंदर होते हैं, वो मैंने आपको बताया। एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, दूसरा सब स्ट्रक्चर, देन एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर। एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर में दोस्तों हमारी विंग वॉल्स हो गई, ठीक है, जिसके बाद एबनमेंट्स हो गए, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर के अंदर। कंक्लूड करता हूँ वीडियो को। सुपर स्ट्रक्चर हमने देखा कि बियरिंग से ऊपर वाले पोर्शन को सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, साथ में बियरिंग को भी हम सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, और बियरिंग से नीचे वाले सारे पोर्शन जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सारे चीज़ें जो है हमारी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी बताया, यहाँ से सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ बिल्कुल अच्छे से। देन इसके बाद हमने बात करी थी सब स्ट्रक्चर की, तो सब स्ट्रक्चर क्या हो गया, बियरिंग से नीचे वाले जो सारे पोर्शन से या पार्ट से या कंपोनेंट से उनको हम सब स्ट्रक्चर कह दे रहे हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं प्लस या आइकोनिक, तो मेरा कोड जरूर यूज़ करें, मोहन दांगी 10, जिससे आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिलेगा। थैंक यू।